नाजरीन गिरामी, ओडिशा का ये घना जंगल और इसके बीच से गुजरती हुई ट्रेन की पटरी। इस पटरी पर एक तेज रफ्तार ट्रेन धुआं उड़ाती गुजर रही थी। जंगल आहिस्ता आहिस्ता मजीद घना होता चला जा रहा था। ये रात का अंधेरा था और उसी वक्त ड्राइवर ने देखा कि एक बड़ा हाथी पटरी के ऊपर खड़ा है। ड्राइवर ने ब्रेक लगाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन ट्रेन न रुक सकी। ट्रेन 100 किलोमीटर/घंटा की रफ्तार से दौड़ थी। ड्राइवर ने हॉर्न बजाया, मगर हाथी अपनी जगह से टस से मस न हुआ। ट्रेन अपनी रफ्तार पर दौड़ रही थी और हर लम्हे मौत हाथी के करीब आती जा रही थी। ड्राइवर ने हर मुमकिन कोशिश की कि किसी तरह से वो ट्रेन को रोक ले या हाथी पटरी पर से हट जाए, मगर हाथी अपनी जगह पर खड़ा रहा। और फिर जो हुआ वो वाकई ही बहुत हैरान कर देने वाला था। इसकी तमाम तर तफसीलात से आपको आज की इस वीडियो में आगाह किया जाएगा, लिहाजा गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और इस राज से पर्दा उठाया जाएगा कि आखिर वो हाथी जिंदा रहा या कहीं गायब हो गया। लेकिन आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारी आने वाली तमाम नई वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक करके शेयर करना भी मत भूलिएगा। नाज़रीन गिरामी, उड़ीसा के जंगलों से गुजरती हुई इस लाइन पर 21 दिसंबर 2020 के दिन एक दर्दनाक हादसा हुआ। जंगल के अंदर बिछी हुई इस रेल पटरी पर ट्रेन 100 किलोमीटर/घंटा की रफ्तार से दौड़ रही थी। उसी वक्त अचानक ड्राइवर के सामने एक 12 साल का हाथी आ गया। ड्राइवर को इमरजेंसी ब्रेक लगाने तक का मौका न मिला और ट्रेन हाथी के ऊपर चढ़ गई। ट्रेन तो हाथी के ऊपर चढ़ गई, लेकिन ये हाथी कहाँ गया? क्या ये हाथी फौरन ही गायब हो गया या ये ट्रेन के नीचे आ गया? इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपको आगाह किया जाएगा। लेकिन इस हादसे के नतीजे में ट्रेन की 6 बोगियां पटरी से उतर गईं और काफी दूर तक ट्रेन की ये 6 बोगियां यूं ही साथ खिसकती चली गईं, मगर किसी भी एक मुसाफिर को एक भी चोट न लगी। लोगों की जान भी बच गई और किसी को खराश तक न आई। नाज़रीन गिरामी, 22 दिसंबर 2020 की सुबह भी 4 बजे इन्हीं जंगलों में 15 हाथियों का एक झुंड जंगल के बीच बिछी हुई इस रेल पटरी को पार कर रहा था और तभी अचानक वहां पर एक ट्रेन आन पहुंची, जिसमें से एक हाथी की तो मौके पर मौत वाकई हो गई थी। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि 21 दिसंबर की सुबह होने वाले हादसे का हाथी आखिर जिंदा बचा या नहीं। नाज़रीन गिरामी, गुज़िश्ता 10 सालों में ये उड़ीसा के जंगलों में होने वाला 29वां वाकया था और भारत के अंदर जानवरों की जिंदगी किस कदर मुश्किल है इसका अंदाजा आप यहीं से लगा सकते हैं कि भारतीय रियासतों की अगर बात की जाए तो इनके जंगलों के अंदर बिछी रेल पटरियों पर आए रोज ऐसे वाकयात रिपोर्ट होते हैं और भारतीय सरकार जिस तरह से मुसलमानों का बेदरेक कत्ल करती है, इस तरह से यहाँ जानवरों की जिंदगियां भी महफूज नहीं हैं। इन इंसानों ने अपनी सहूलत के लिए जानवरों के रहन सहन की जगह जंगल में ट्रेन की पटरियां तो बना ली, लेकिन इन जानवरों की जिंदगियों के तहफ्फुज और उन्हें महफूज बनाने के लिए कोई इकदाम न किए गए और इसके नतीजे में आए रोज किसी न किसी जानवर को ट्रेन की जद में आकर अपनी जिंदगी की जंग को हारना पड़ता है। जंगलात के माहरीन का ये कहना है कि जब कभी इंसान ने ट्रेन के लिए जंगलात के अंदर पटरी बिछाई तो अक्सर जानवर हादसों का शिकार हो जाते हैं। नाज़रीन, जंगल में रहने वाले ये जानवर कभी शिकार की तलाश में और कभी पानी की तलाश में इधर उधर फिरते रहते हैं और इसी दौरान जब इनका गुजर ट्रेन की पटरियों पर से होता है तो ये तेज रफ्तार रेल गाड़ियां इनका शिकार कर लेती हैं। हाल ही में उड़ीसा के जंगलों में एक सर्वे करवाया गया और फिर ट्रेन के ड्राइवर्स को ये खास तौर पर हिदायत जारी की गई कि जितना मुमकिन हो सके जंगल से गुजरते हुए ट्रेन की रफ्तार को कम रखा जाए और खास तौर पर रात के वक्त ज्यादा अलर्ट रहें कि अक्सर रात के वक्त जानवर बाहर निकलते हैं। लेकिन माहरीन की इन हिदायत को हवा में उड़ा दिया गया और फिर जो हादसा पेश आया इसकी वीडियो सब ने देखी। नाज़रीन, ये 21 दिसंबर 2020 का हादसा है कि जब एक ट्रेन 100 किलोमीटर/घंटा की रफ्तार से आ रही थी, इसके सामने एक हाथी आता है और जब ट्रेन एन हाथी के ऊपर चढ़ जाती है तो ये हाथी गायब हो जाता है। इस हवाले से कुछ तहकीक करने पर पता ये चला और कुछ न्यूज मीडिया को देखने के बाद ये हकीकत खुलकर सामने आई कि 21 दिसंबर को पेश आने वाले हादसे में हाथी की मौके पर ही मौत वाकई हो गई थी और जब हाथी ट्रेन के इंजन के साथ हिट करता है तो ट्रेन
की 6 बोगियां पटरी से उतर जाती हैं, लेकिन हैरानकुन तौर पर इसमें मुसाफिरों को एक भी खराश तक नहीं आती है। लेकिन ये वीडियो जो सामने आई जिसमें दिखाया गया कि हाथी गायब हो जाता है, दरअसल ये फेक और एडिटेड वीडियो थी जिसमें जानबूझकर हाथी को पटरी पर से हटा दिया जाता है। दरहकीकत हाथी की मौके पर ही मौत वाकई हो गई थी। और नाज़रीन गिरामी, ये भारत में पेश आने वाला कोई पहला वाकया नहीं था। आसाम के जंगल में एक 45 साल मादा हाथी अपने बच्चे के साथ रेल पटरी को पार कर रही थी और उसी वक्त अचानक धुआं छोड़ती और शोर मचाती ट्रेन आन पहुंची और इस ट्रेन ने इन दोनों को अपनी लपेट में ले लिया। ट्रेन मार बच्चे को रोंती हुई निकल गई, लेकिन मुकामी अफराद ने फिर एक इंतहाई सख्त कदम उठाया और उन्होंने ट्रेन को आग लगा दी। तहकीकात पर पता चला कि जिस जगह यह हादसा हुआ और जहां पर माँ और बच्चे की लाशें मिली तो इनमें 1 किलोमीटर का फासला था, यानी ट्रेन की रफ्तार इस कदर तेज थी कि जब ट्रेन के इंजन ने हाथी माँ और बच्चे को हिट किया तो उन्हें उड़ाकर 1 किलोमीटर दूर फेंक दिया। अब आप जरा अंदाजा कीजिए कि ट्रेन की रफ्तार किस कदर होगी। मुकामी अफराद का कहना है कि अगर ड्राइवर ट्रेन को कवानीन के मुताबिक चलाता तो इन दोनों की जान बचाई जा सकती थी। इस तरह से नाज़रीन गिरामी, उत्तराखंड में भी एक हादसा हुआ और कुछ अरसे पहले जहाँ जो हादसा पेश आया ये वाकई ही आपको हैरान कर देगा। उत्तराखंड के देहरादून ट्रेन स्टेशन के करीब एक बड़ी रेलवे लाइन इस इलाके में मौजूद जंगलों से होकर गुजरती है और इस रेलवे लाइन पर आए दिन जानवर हादसों का शिकार होते हैं। आज से कुछ अरसा कबल भी इस जंगल में एक हाथी की मौत ट्रेन के नीचे आने की वजह से हुई थी। जैसे ही ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो यहाँ एक नई बहस का आगाज हो गया। काफी दिन तक ये वाकया ट्विटर पर टॉप ट्रेंड करता रहा और फिर सोशल मीडिया पर भारतीय सरकार और ट्रेन हुकाम को खूब तंकीद का सामना करना पड़ा। इस हवाले से सार्फीन ने अपनी आरा पर मबनी बहुत से जदीद और तरक्की याफ्ता ममालिक की मिसालें भी दी कि जहाँ ऐसे आलात और सिस्टम नस्ब हैं कि ट्रेन आने से पहले हाथी को चुकन्ना कर दिया जाता है और फिर वो ट्रेन आते हुए कभी पटरी की तरफ नहीं आता, लेकिन भारत सरकार जो कि मुसलमानों पर जुल्म करने से ही फारिग नहीं होती, अगर वो कुछ ध्यान यहाँ भी दे तो भारत के अंदर मौजूद जानवरों की जिंदगियों को भी बचाया जा सकता है और उन्हें महफूज बनाया जा सकता है। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो के जरिए जानवरों की जिंदगियों को महफूज बनाने का ये पैगाम जरूर पहुंचा होगा। आप कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर भी कीजिएगा और जाने से कबल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली तमाम नई वीडियोज आपको बर वक्त मिलती रहें।